हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवरे देतीमन। 10 कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से शिक्षक भर्ती का फ्रेश नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो होते हैं, यहाँ पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही वैकेंसी निकाली जाती है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो पोस्ट होती है उसको आगे रिन्यू करते हुए जाते हैं। यानी यहाँ पर जो रेगुलर टीचर हैं वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही रखे गए हैं। 3 साल तक जो है वो आप लोग अपनी सेवा यहाँ पर प्रदान करते हैं, उसके बाद जो है आपकी पोस्ट को ये आगे बढ़ाते हुए जाते हैं, आपकी सैलरी भी जो है वो बढ़ती हुई जाती है। तो नोटिफिकेशन कहाँ से आया है सारी चीजें हम इस वीडियो में चेक करेंगे। एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे तो बहुत अच्छे से वीडियो देखिएगा, अंत तक वीडियो देखें तभी आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी। टीजीटी की पोस्ट निकाली गई है इन 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में। सैलरी 22,000 मिलेगी आप लोगों को, उसके बाद ये बढ़ेगी। कोई फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन के समय, ना ही कोई एग्जाम होगा। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं आवेदन जो है उसकी लास्ट डेट कब है। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बता दूं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं, पुरुष अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते। 10 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से जो है पूर्णतः पहले अस्थायी और अल्पकालीन संविदा के आधार पर रखा जाएगा, उसके बाद जो है वो आपकी पोस्ट को आगे रिन्यू करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम तभी फॉर्म फिल करेंगे जब यहाँ रेगुलर पोस्ट आएगी, तो ऐसा नहीं होता। आवेदन जो है वो 16 सितंबर के अपराह्न 5 बजे तक जो है वो आप लोग कर सकते हैं, डाक द्वारा, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट। साधारण पोस्ट जो आप ना करें, क्योंकि साधारण पोस्ट जो है यहाँ पर गलत रहता है। ठीक है, और समय पर नहीं पहुंच पाते हैं आपके आवेदन और आप लोग वेट करते हुए रह जाते हैं। यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका जो है महिला की भाषा की वैकेंसी है। टीजीटी की ही पोस्ट है यहाँ, केवल गणित की है, विज्ञान की है और शारीरिक शिक्षा की। कुल जो वैकेंसी है वो 14 पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो एड्रेस रहेगा आप लोगों का, तो एड्रेस जो है वो बिल्कुल यहाँ पर डाक द्वारा, झारखंड शिक्षा परियोजना समग्र शिक्षा अभियान चतरा, प्रखंड परिषद चतरा, पिन कोड 82504 01, ये आपका जो है वो एड्रेस रहेगा। यहाँ लिखा है साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब क्वालिफिकेशन जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि 50% मार्क्स के साथ जो है स्नातक होनी चाहिए। किसी भी पोस्ट के लिए आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ पर, सभी टीजीटी की ही पोस्ट हैं, बीएड चाहिए और साथ में 6 से 8 तक जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा टैट जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। देय परिलब्धि यानी कि पेमेंट जो है वो आप लोगों को स्टार्टिंग में 15,840 मिलेगा, 3 साल आप पूरे कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद जो है 50% की जो है वो वृद्धि प्रति माह जो है वो आप लोगों के वेतन में होगी। संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपये की वार्षिक वेतन जो है वो वृद्धि दे होगी। यहाँ पर जो है न्यूनतम उम्र 21 से 35 वर्ष रखी गई है, बाकी जो है यहाँ कैटेगरी वाइज जो है वो छूट भी दी जाती है। नेक्स्ट ये जो है वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, और इसके अलावा इसी वेबसाइट पर जो है एक और वैकेंसी आई है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में। आवेदन जो है किस तरीके से आप लोगों को भेजना है, दिए गए एड्रेस पर आप लोग जो है खुद का जो है वो पता और आपका जो पोस्ट का नाम है उसे बहुत अच्छे तरीके से साफ और हैंडराइटिंग में और मोटे अक्षरों में आप लोगों को लिखना है। अपने सभी डॉक्यूमेंट को उसके साथ जो है वो आप लगा दें। यदि आरक्षित श्रेणी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र जो है वो लगा दें। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का आवासीय विद्यालय है, चयनित अभ्यर्थी को जो है यहीं पर रहना होगा। ठीक है, आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग के मोटे अक्षर आवेदित पद का नाम कोटि अंकित करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है कि जो है दूसरे जिले के या दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जो है वो नहीं कर सकते एप्लीकेशन, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है और इसे आप लोग भरिएगा। तो सबसे पहले गूगल पर आना है आप लोगों को, गूगल पर chatra.nic.in ये आप लोग जो है वो बिल्कुल टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें नोटिस, नोटिस में आप लोग नीचे देखेंगे रिक्रूटमेंट, इस पर आप लोग आ सकते हैं। नहीं तो नीचे भी जो है वो आप लोगों के दिया हुआ है रिक्रूटमेंट, यहाँ पर जो है वो आप लोग क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल चतरा, ये आप लोगों को बिल्कुल विज्ञप्ति नजर आ जाएगी। एक और वैकेंसी है यहाँ पर जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसको भी हम देख लेंगे इसी वीडियो में। तो एक बार मैं आप लोगों को कस्तूरबा गांधी विद्यालय का जो है वो बिल्कुल नोटिफिकेशन जो है वो दिखा देती हूँ। इसको ओपन किया आपने तो ये पेज ओपन हो गया, यहाँ पर पब्लिश हुआ है ये 1 सितंबर को, 16 सितंबर लास्ट डेट है। व्यू पर आपको जाना है, फाइल
और ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आ गया। और नीचे तक आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को दूसरा बताया कि यहाँ पर एक और जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो रिक्रूटमेंट में आप देखेंगे सेकंड नंबर पर, इस पर आप लोगों को जाना है। तो वैकेंसी जो है वो कौन सी है ये हमें देखना है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसका भी, और इसको जो है वो आप लोग ओपन कर लेंगे। तो वैकेंसी जो है वह निकाली गई है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चतरा से। वैकेंसी की जो स्टार्टिंग है 29 अगस्त और 12 सितंबर लास्ट डेट है। इसका लिंक भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी यदि आप लोग एप्लीकेशन करना चाहें तो। संविदा के आधार पर ही है ये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की, तकनीकी सहायक की 4 वैकेंसी, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष 3 वैकेंसी है, लेखा सहायक की 3 है, कंप्यूटर सहायक की 4 है और ग्राम रोजगार सेवक की 15 है। यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर से संबंधित जो है यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री जो है वो आपसे मांगी गई है। सैलरी जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ, सैलरी जो है क्या मिलेगी। तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी तो यहाँ आप देख सकते हैं 23,000 से अधिक है, तकनीकी सहायक 22,000, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष 19,000, लेखा सहायक की 14,000 से अधिक है, कंप्यूटर सहायक 14,300, ग्राम रोजगार सेवक की 11,000। ठीक है, तो बाकी चीजें जो है डिटेल जो है वो आप लोग और भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है वो बिल्कुल दिया गया है, न्यूनतम एज 18 है यहाँ पर लिखी गई है, बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो ये दोनों चीजें जो है वो आप देख लेंगे, दोनों का ही लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।